मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत, त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला ज्या काही गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्ष होत नव्हत्या त्या न बोलता देखील या तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी करून दाखवलेल्या आहेत. एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही हो, कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, वो रहे उसको हम चेंज कर देंगे. अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपकी नज़र में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मज़हब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मज़हब के हो या सिख हो. और आप एक समुदाय की और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं. तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनार्की फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की. एक डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर है, तो ये सब जिम्मेदारी देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है.